आज तो हो रहा है बहुत जल्दी जल्दी माहौल चल रहा है नाश्ता करने वाला कि बस नाश्ता करने वाला हो देशद्रोही हो आतंकवादी हो तुम लोग नवाज शरीफ के भिखारी हो भिखारी हो ऐसे बोलो चोर है ना। हाँ मुल्क के कत्तारों का डर लगता है भिखारियों के हम इमरान खान के सिपाही हैं। ईद मनाए सबर रखें ईद मनाए। कैसे हैं आप सब लोग? आप सबको हमारी तरफ से ईद का दूसरा दिन बहुत बहुत मुबारक हो। और हमारा ईद का सेकंड डे कहाँ है? अभा में। अभा में। अभी हम लोग सब रेडी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, नाश्ता रेडी हो रहा है, बच्चे माशाल्लाह सेट हो गए, तो चलते हैं फिर। अम्मी लोग किचन में है, नाश्ता बना रहे हैं, नाश्ता भी रेडी हो चुका है, बाहर चलते हैं। आप लोगों को बाहर का भी इंशाल्लाह विजिट कराती हूँ, और चलें फिर देखते हैं आज आप लोगों के साथ क्या शेयर होता है। हमारी ईद तो माशाल्लाह बहुत अच्छी गुजर रही है। यस बहुत भूख लग रही है, लग रहे हैं। अफरा तफरी का माहौल चल रहा है, सब माशाल्लाह लगे हुए हैं। तो हो रहा है बहुत जल्दी जल्दी माहौल चल रहा है नाश्ता करने वाला है कि बस नाश्ता करना है और बाहर निकलना है। नाश्ते में हल्का फुल्का ही बनाया है बच्चों के लिए, इंदौमी हो गया, आमलेट हो गया और चाय भी बन गई है। हल्का फुल्का नाश्ता करके चलते हैं बाहर, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम सेव करना है घूमने के लिए। तो चलें फिर इंशाल्लाह बाहर निकलते हैं, मैं भी नाश्ता कर लूँ, मुझे आ रही है आवाज़ें। आ जाए क्यों पहना है आपने शलवार कमीज? पाकिस्तान का पहना है इमरान खान के लिए कि मैं इमरान खान का छोटा सा सिपाही हूँ। इमरान खान जिंदाबाद। और ये एक दो तीन ये शहबाज शरीफ के सिपाही है, एक दो तीन ये शहबाज शरीफ के सिपाही है, ये मुल्क के गद्दार है, ये गुलाम है, कैसे भिखारी है, कैसे हम लोग भिखारी नहीं है, हम कोई गुलाम है, जो तुम लोग बोलो हम करें। अच्छा जो कल पहनी थी वो कल गुमराह किया गया था मुझे। अच्छा, लेकिन मैंने सुबह इमरान खान की तकरीर सुनी, उस टाइम अमेरिका से मेरी आंखें खुल गई, मेरा जज्बा जाग उठा। तो खोले इनकी भी आंखें, खोले ये भी सलवार कमीज पहने उठ के। उठो पहनो मुल्क के गद्दारो, उठो जागो, इमरान खान हम लोगों को इज्जत दिलाएगा हर मुल्क में। उठो मुल्क के गद्दारो भिखारियों, उधर से मैं गद्दार लेके आ रहा हूँ। कौन जल्दी जल्दी तैयारियां हो रही है, तैयारियां निकलने की, हम तो रेडी बैठे हैं। चाय रखी हुई है, चाय ये भी रेडी बैठी है। चाय बन गई? चाय इरफान भाई को पिला दो बस, इन्होंने बहुत एक्टिव रहना है वहाँ पे। मुझे भी नहीं। सुधा तक आपने ही तो लेके जाना है हमें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये सिर्फ शलवार कमीज पहन के इनको दौरा चढ़ गया। उनके गद्दारों मुर्दाबाद, भिखारियों। मैं फुल तमीज गया, फुल तमीज ना बंद था, मैं दूसरी लोकेशन। आपने भी पेंशन पहनी है? वहाँ पे जाने लगे आप भी भिखारी हो। थोड़ी देर बाद उनके गद्दार हो, पचास जो पेंशन पहनता है वो मुल्क का गद्दार होता है, वो पाकिस्तानी नहीं होता। बोलो खालू, कल आपने भी तो पहनी थी। तो मैं कल गद्दार था, आज मैं मोहब्बत करता हूँ वतन से, कल मैं गद्दार था। दो तुर्की होटल भी मिले थे, वो भी बंद। आज मुझे वतन से प्यार है, इमरान खान से प्यार है। फौजी आप से नहीं है? आई लव फौजिया।
अगेन फौजिया मेरी जान है, मेरे दिल का टोटा है, मेरी खूबसूरत सी दुनिया है, टोटा है बस मेरा प्यारा सा दिल है। देख क्यों रहे हैं, सुन रही है, डर क्यों रहे? जानू को लेके आया। रेडी है, चाय का वेट हो रहा है। चाहे तुम लोग गद्दार हो, देशद्रोही हो, आतंकवादी हो, तुम लोग नवाज शरीफ के भिखारी हो, भिखारी हो। फोटो शूट करा रहे हैं। अम्मी का पोज देखे, वो भी आईफोन वाली से, आईफोन वाली। अम्मी का पोज देखे, अम्मी आजा अभी बैठ अम्मी के साथ। आप अंग्रेजी पे लेने खड़ी है लाला, क्यों परेशान की थी वदी? वाला पीछे तेरा घर वाला की देखे तुझे सांडू गम कर लेते। कोलकाता कट्टार है, सांडू गम कर लेते। शबाश शरीफ तबर कर, आई हेट शबाश शरीफ तबर कर। अल्लाह हो है कहां साथ नजर आई वो गए में रात को चला दिया मोबाइल अकेले ही अकेले घूम गए, पता नहीं क्या ढूंढने गए हैं वहां पे। हां जैकेट गाड़ी में मो मिल जाएगी। अभी तो सोने 12 बजे हैं, कौन सी ठंड लग रही है आपको? इतनी हल्की हल्की ठंड है, नहीं लगती। मेरी ईशु का आउटफिट अच्छा लग रहा है, आपका आउटफिट अच्छा लग रहा है। अम्मी का फोटो शूट ही नहीं खत्म हो रहा, अम्मी ने कोई 50 तस्वीरें निकलवा ली हैं और कह रही ऊपर जाके तुम लोगों ने क्या करना है। आपका बंदा उधर लड़कियों, अम्मी ने मेरे लड़कियों को देख, आपका बंदा उधर लड़कियों, फुल छूट दी हुई है इरफान भाई, फुल छूट दी हुई है। उनका गद्दार ही है ना। मैंने कहा देखे 4 दिन की जिंदगी ऐश करें, शबाशरी वाली हरकत करेगा, उन्हीं के वर्कर हो ना इरफान भाई, पकड़े जाएंगे आप, ठीक है ना? यहीं से शबाश शरीफ आपको उठवा लेंगे, पकड़ के दिखाए तो सही, जिएंगे तो इमरान खान, मरेंगे तो इमरान खान। पकड़ के दिखाए, हम बोल रहे हैं जाओ, हमें पकड़ के दिखाए कुछ, हम सऊदी में रहते हैं, जद्दा में रहते हैं, कुछ कर ले तो कर लो। मेरी अम्मा को जोश आ गया, शबाश शरीफ से तंग आई, गंदे चोर कहीं से ऐसे बोलो, चोर है ना। हाँ ईद मनाए, ईद मनाए, सब्र रखे, ईद मनाए। ये स्टाइलिश फोटो शूट हो रहा है, ये आजकल का न्यू ट्रेंड। वाओ अच्छी आ रही है ना, आप ऊपर आके ये व्यू देखने आए थे, ये मजरा है ना, ये मजरा है ना, अनार के लगे हुए ना, देखो जरा। हाँ ये किसी का खेत है जिसको मजरा बोलते हैं यहाँ पे। अपनी तरफ से ये दीवार बनी हुई है क्योंकि दूसरी साइड पे मजरा है किसी का, और वॉशरूम की भी काफ़ी अच्छी सहूलत है, नीट एंड क्लीन वॉशरूम है। हमारा एक पीस है इधर अंदर जिसके वेट में मैं यहाँ हूँ। जेंट्स और लेडीज पता, ये सारे यहाँ इसलिए रुक गए हैं कि थोड़ी परेशानी हो गई है यहाँ जो है। अब हमें हर रास्ता इन्होंने बंद किया हुआ है, जैसे रात भी आप लोगों ने देखा मेरे कल के ब्लॉग में, पार्क बंद किए हुए, रास्ते सारे क्लोज, और यहाँ की सबसे फेमस अल सुदा पहाड़ी, इसके भी रास्ते क्लोज है। हम वहाँ से आ रहे हैं, वो है अल सुदा। यस यहाँ पे क्या हो रहा है? कहाँ? यहाँ पे कुछ पे हम लोग क्यों रुके हो? मैं वही बता रही थी इन लोगों को कि हम लोग परेशान हो गए, जिस रास्ते पे जा रहे हैं, जहाँ घूमने जा रहे हैं, वो बंद है, बंद है, बंद है। क्यों? मेरे कोलगेट में स्टम जहर मिला दो प्लीज। कहीं घूमने नहीं दे रहे, कहीं बैठने नहीं दे रहे, कहीं एंजॉय नहीं करने दे रहे। बेचारे हमारे पाकिस्तानी भाई अपने चावल सालन पतीले बना बना के हाथों में लिए घूम रहे, जहाँ बैठते हैं मरूर आके उठा देती है, जहाँ आती है मरूर उठा देती है,
कहीं रुकने नहीं दे रहे, हम यहाँ रुके हैं और हम इन सबको यही डर है कि चलो यहाँ से अभी मरूर आके यहाँ से हटा देगी। यार हमने घूमना था, रोज रोज कोई नहीं आ सकता, यही मसला है। इतनी स्ट्रांग हुकूमत है इनकी। वहाँ से आए हम लोग, वो वहाँ से अलसुदा की पहाड़ी, अलसुदा वहाँ का सबसे फेमस टूरिस्ट पॉइंट, जो कि मेरे ख्याल से बंद है, शायद ना खुले। प्लीज कोई नहीं आना, जो भी अभी का प्रोग्राम बना रहे हैं, मैं सबसे कह रही हूँ मत आना मत आना मत आना। मौसम अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अगर सिर्फ ठंड लेनी है आप लोग आए, लेकिन अगर इसी तरह परेशान होना है तो प्लीज़ आप लोग भी मत आए। हर रास्ता बंद है, हर पार्क बंद है, रश इतना है, बस ड्राइव ड्राइव ड्राइव, टांगे जुड़ गई हैं, घुटनों में दर्द आ गया सबके, कि गाड़ी में घूमने आए हैं हम लोग, सिर्फ गाड़ी में बैठने आए हैं या लॉन्ग ड्राइव करने आए हैं, कहीं नहीं बैठने दे रहे यार, किसी पार्क में एंट्री नहीं दे रहे। थोड़ा सा पार्क में रश हुआ है, पार्क क्लोज। ये देखे हम वादियों में आए थे, हमने कहा यहाँ इतने ठंड है, दोपहर के 2 बज रहे हैं, दोपहर के 2, और माशाल्लाह 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 इतनी प्यारी ठंड है। ओह आंखें नहीं खुल रही, इतनी प्यारी ठंड है। हम सोच रहे हैं शायद अगर हम बैठ जाएं तो हमसे ये ठंड 2 घंटे तक बर्दाश्त ना हो। अभी तो हम जद्दा के जले हुए हैं तो फील नहीं हो रही, लेकिन सही ठंड है माशाल्लाह। बाकी मैं तो यही मशवरा दूंगी, कोई अब आना चाह रहा है तो प्लीज़ बहुत बड़े बजट के साथ आएँ, रेंट बहुत महंगे हैं, 600-700 2 रूम 3 रूम का रेंट है भी, और सिर्फ आप होटल में रहें और गाड़ी में लॉन्ग ड्राइव करें और कहीं नहीं बैठने दे रहे, 5 मिनट के लिए आपको कहीं नहीं रुकने दे रहे। ये हमारी बच्चियां बेचारी 3-3, 4-4 ड्रेस लेके घूम रही थी, जो घूमना चाह रही थी, इंजॉय करना चाह रही थी, पिक्स लेना चाह रही थी, क्योंकि सबसे सबसे ज़्यादा मेमोरेबल जो चीज़ होती है वो आपकी पिक्स होती हैं, आपका बैठ के गेट टुगेदर होता है, वो हो ही नहीं पा रहा। वो अलग गाड़ी में घूमे जा रहे हैं, हम अलग गाड़ी में घूमे जा रहे हैं, और वही जाके होटल में थक हार के फिर खा पी के बंदा सो जाता है। वो कल से लड़कियां बेचारी परेशान है, छोटी सिस्टर्स मेरी, कि कोई पिक नहीं आई हमारी, हम कहीं रुके नहीं, चलो वापस चलते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, हमारा एक दिन का और रेंट है, हम यही सोच रहे हैं कहीं बैठें या ना बैठें, ठंड तो इंजॉय करते ही, क्या करें, रोज़ रोज़ थोड़ी आ सकते हैं, 8 साल बाद आए हैं हम, है ना। आगे वो आगे हमें उठाना, ठीक है, अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, ये ऐलान हमारे लिए। ये देखिए सॉरी सॉरी हो रहा है, हाथ खड़े कर दिए हमारी फैमिली ने, आ रहे पीछे आ रहे हैं, अभी है कि आ रहे हैं उसको ठंडे नसीब, जब तक यहाँ से नहीं निकालते यहाँ पे भी रुक जाए। पता नहीं क्या ऐसा मसला हुआ है कि कहीं बैठने नहीं दे रहे। हम इनके दम से रुके, मुझे लगता है ओ आ गया पीछे, हॉर्न आ गया पीछे, भागो, बैठो बैठो बैठो, लगता है ये ग्रामा ही ना दे दे आज, मुझे लगता है जब तक हम ग्रामा नहीं लेंगे हम यहाँ से हटेंगे नहीं। हाँ कहीं ग्रामा ही ना लग जाए भाई, आ गया पीछे, चलो 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 चलो। ओ बेचारे ने चादर लपेटी, उन्हें क्या चुकनी पैनी, निकलो निकलो निकलो, मर पूरे बच्चे, मैंने कहा ना हम ही लेके आ रहे हैं पीछे, हाँ हाँ पूरे हमारी गाड़ी के मेंबर पूरे, ये अब ग्रामे देंगे हमें, तीसरी दफा देखेंगे कहीं रुके। ओ भागो भागो भागो, हाँ यार सुधा पे जो होते थे ना सारे पठान ढोल बोल लेके, वो सारे इधर पाकिस्तानी देखे माशाल्लाह। पाकिस्तान का झंडा, हमारे पाकिस्तानी भाई यहाँ पे आते हैं माशाल्लाह, दुनिया आती है घूमने ईदों पे, लोग ज्यादातर अल शफा और अल अभा का ही रुख करते हैं। या यस यस, म्यूजिक लगाया भाई इधर माशाल्लाह, बड़ी रौनक लगाई हुई है, भेजती हो भी किसी को जाके वीडियो बना के लाते हैं अंदर से, क्योंकि काफ़ी रश है, मैं तो जाने से रही, भेजती हूँ अभी। ये अलसुदा नहीं है, अलसुदा से घूमते घूमते हम यहाँ तक पहुँचे हैं, अब ये जो भी जगह है इंशाल्लाह यहाँ की लोकेशन में साथ लगा दूँगी, कोई आना चाहे तो यहाँ तक आ सकता है,
अल सुदा तो बंद है, प्रॉपर बंद है। माशाल्लाह बहुत गहराई है, बेबी आप लोगों को नजर ना आ रही हो लेकिन बहुत गहराई है। और हम वहां से आए हैं ना, वो अलसुदा का पिलर है ना, वहां से ये सारे रास्ते घूमते घुमाते पता नहीं कहां कहां से ये मुझे देख रहे हैं कि मैं कहां आगे तक जा रही हूँ, कहीं मैं गिरी ना जाऊं। नहीं जा रही, नहीं जा रही। वो देखो कहां तक गए मैं नीचे, और उन्होंने व्हाइट सलवार कमीज पहनी है, सारे पाकिस्तानी है माशाल्लाह, इसलिए तो रोकते हैं वो, कहीं बैठने नहीं दे रहे हमें। वो देखो बंदर घूम रहे मैं इधर वाले दिखा रही वो पाकिस्तानी घूम रहे असल में मेरा कैमरा वहां था ना, मैंने कहा वो देखो बंदर घूम रहे हैं, बंदर मुझे यहाँ नीचे नजर आए हैं। अल्लाह अकबर। और जी शोहर का भी भरोसा नहीं होता कि कब पहाड़ी से धक्का दे दें, ठीक है ना। और आप जैसे शोहर का बिल्कुल भरोसा नहीं है। मैं ना नहीं करना शोहर के आगे, मैं ना हट जाओ, मेरा मेरा मियां तो पीछे हाथ पकड़ के खड़ा है मेरा, तो ऐसे कि मैं कहीं गिरी ना जाऊं। शहबाज शरीफ का बंदा भाई, वो कुछ भी कर सकता है। आज शहबाज शरीफ को दौरा पड़ा हुआ है इनको। सेल्फी हमारी पिक्चर कौन बनाएगा, नैना का है। अभी स्टार्ट कर रहे हैं फ्रेश अलसुदस की फ्रेश चेरी खाएं, साथ साथ कहीं आपका गला ना खुश्क हो जाए। क्या खा रही है जो चिप्स लेके आई है, कम आ रहा कम सा तुम लोगों को चाहिए, यहाँ पे भी मिल गए। तो ये तीन क्यों दे रहे, बुलाओ लाके दो ये पानी का पानी। आयो सुरा अनिल, मैं तेरे को इंग्लिश में पूछा आपने पूछा था हाँ, अब कहते नहीं है जिंदाबाद मैं क्या चिल बोल रही हूँ, फिर बोले फिर बोले इमरान खान का जादू। यहाँ पे भी आ गए मरूरी इनको हटाने, क्योंकि इन्होंने काफी रश डाल दी एक ही जगह पे। यल्ला यल्ला
में जाके अलबेक पेट भर के खाना खाएंगे। अभी सब सबको भूख लगी हुई है, कुछ नया ट्राई करने से बेहतर है वही खाओ जो आप रच के खा सकते हो। आयजा बर्गर बना रही हो? चले अल्हम्दुलिल्लाह खा लिया पी लिया घूम लिया, अब सब यहाँ से रवाना हो रहे हैं होटल की तरफ। बाकी अल्लाह खैर करे, चले फिर चलते हैं होटल जाते हैं। काफ़ी थक चुके हैं, मेरे ख्याल से 11:30-12 का टाइम है और हम दोपहर 12 बजे के घर से निकले हुए हैं। ठंड से अब जमने लग गए हैं क्योंकि मैं ठंड को ज़्यादा फील नहीं करती, ना मैं जैकेट पहनती ना कुछ। ठंड के मज़े है ना इज़ो जी, यहाँ पर तो बहुत ठंड है और मेरे तो अभी भाई की हुडी पहनी हुई है। Yes. तो मेरी हुडी तो घर पे है। एंजॉय हो गया? Yes. अभी हम कहाँ जा रहे हैं? घर सोने जी। सोएंगे? हाँ जी। रेस्ट करेंगे? Yes. ओके, फिर कल कहाँ जाएंगे? फिर सुबह को मजे करेंगे जी, सुबह को मजे करेंगे, थोड़े से मजे करेंगे, नाश्ता करेंगे और होटल से चेकआउट करेंगे, रवानगी लेंगे कल खैर से इंशाल्लाह। फिर देखते हैं कब पहुँचते हैं और आप लोगों से कब मुलाकात हो सकती है। चले फिर आप लोग जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नई जगह और एक नई हलचल के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।